2026 एस्पिरेंट्स सबकी एक इच्छा है कि हमारी ऑल इंडिया रैंक वन आ जाए। हर बच्चा भले ही वो बोले या ना बोले, भले उसको कहने में शर्म आती हो, अंदर से सपना उसका यही होता है कि यार हम तो AIR वन लेके हैं, राइट? तो कैसे लानी है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं आज। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया, ठीक है, जो मैं बात कहने वाला हूँ, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग द फर्स्ट रैंक, और चलो फर्स्ट रैंक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपकी बहुत ही अच्छी रैंक, टॉप 500 में रैंक, फेवरेट IIT, ये मिल जाएगा अगर आपने ये फॉलो कर लिया 101% गारंटी के साथ, ठीक है। बताऊंगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि तुम्हारी फेवरेट IIT कौन सी है। और अगर तुम्हें JEE Prep के लिए फ्री नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स, कोई रुपया कुछ नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे Academy Boost ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस पे तुम्हें फ्री नोट्स मिल जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करना मिल जाएंगे, तुम्हें पूरे JEE सिलेबस के बहुत हेल्पफुल है वो, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि वो क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। वो क्राइटेरिया है कि आपका जो कोचिंग का मॉड्यूल है, कोचिंग का मटेरियल, ये आपको 5 times सॉल्व करना है JEE एडवांस्ड तक। अब ये आपको समझ में पहली बात नहीं आएगा क्योंकि अभी तो आपने प्रिपरेशन शायद शुरू भी नहीं किया या एक आध चैप्टर हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके JEE Prep में आपको आपकी कोचिंग में कुछ मटेरियल मिला होगा, या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ बुक्स होंगी, या कहीं ना कहीं से आपने मटेरियल उठाया होगा नेट से, राइट। वो मटेरियल जो JEE एडवांस लेवल तक का है, उसको आपको बाय द टाइम ऑफ JEE एडवांस 5 फिनिश करना है। अब ये कब कब करना है वो बता देता हूं। तो फर्स्ट आपकी रहेगी 11th के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग 11th, ठीक है, 11th के मटेरियल का बता रहा हूं, 12th का भी ऐसे ही होगा। जब आपकी फर्स्ट टाइम पढ़ाई चल रही है, या आप ये समझ लीजिए 11th लेक्चर्स बोल दीजिए इसको, ठीक है, 11th के लेक्चर्स जब चल रहे ना, तभी आप फर्स्ट टाइम कवर करेंगे। दूसरी बार आप कब कवर करेंगे, 11th में ही उसका रिवीजन, ठीक है। देखिए अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूनिट्स डायमेंशन या काइनेमेटिक्स ऐसा कुछ चल रहा होगा फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपके शायद लॉगरिथम या सेट वगैरह कुछ चल रहा होगा, राइट, मोल कंसेप्ट चल रहा होगा शायद केमिस्ट्री में। तो ये चीजें आप अभी एक बार तो अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप जहां से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप एक बार तो वहां से पढ़ रहे हैं, तो एक बार तो आप वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर एक बार आप 11th में वापस भी तो रिवाइज करोगे ना भाई उसको, ऐसा तो है नहीं कि बस छोड़ दिया हुआ, एक बार पढ़ लिया हो गया, नहीं, आप वापस 11th में एटलीस्ट एक बार रिवाइज करोगे उस चीज को, राइट। ये है वो दूसरी चीज। तीसरी चीज, आप सेम चीज को 12th में भी रिवाइज करोगे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी पढ़ लिया बस खत्म कहानी जीवन भर याद रहेगा, नहीं, 12th में वापस से आप एक बार रिवाइज करेंगे। चौथा आप रिवाइज करेंगे बिफोर JEE मेन, ठीक है, जब आपका JEE मेन होने वाला होगा, जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, बोर्ड्स, उस समय आप एक बार और रिवीजन करेंगे। और लास्ट आपका रहेगा जब आपका JEE एडवांस होने वाला होगा 2026 में, तब आप एक बार और रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने बेयर मिनिमम लिखा है, कई लोग 11th में ही 3 रिवाइज करते हैं, 12th में 2 करते हैं, JEE मेन अप्रैल से पहले एक बार करते हैं, JEE मेन जनवरी से पहले करते हैं, तो ये 7-8 भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने एक रफ आपको बता दिया कि इतना तो करना ही करना है, ठीक है। अब क्या हमको पूरी मॉड्यूल वापस बनानी है, नहीं, आपको क्या करना है, आप जब फर्स्ट टाइम अभी लेक्चर्स दे रहे हो, और आपके पता सबसे अच्छी बात है आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, तो आप कई सारी गलतियां अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे पहली एक गलती जो कई बच्चे करते हैं कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको मार्क नहीं करते। तो जैसे आप अभी अपने मॉड्यूल शीट कुछ कर रहे हो, राइट, तो आप उसमें मार्क करो कि भाई ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये वाला क्वेश्चन अपन से नहीं हुआ, ठीक है, ये वाले में अपन को डाउट आ गया या इसमें कुछ नया सीखा, आप उसको ऐसे स्टार मार्क कर दिया करो अपने DPP शीट या बुक या जहां से भी पढ़ते हो, राइट। और फिर बाद में जब आप रिवाइज करोगे ना, आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस पे आओगे। और ऐसा मत करना कि 100 में से 3 क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, कोशिश करो कि 10-15-20% क्वेश्चन आप मार्क करो, कि अगर आपको किसी चैप्टर में 500 क्वेश्चन पकड़ाए गए तो मिनिमम 70-100 क्वेश्चन तो मार्क हो कि भाई ये क्वेश्चन से अपना अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में तो आप सब कुछ सॉल्व करेंगे, बाद में आप थोड़ा 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 ही करेंगे। अब ये काम क्यों करता है, क्योंकि देखिए JEE इंडियन रिवीजन का खेल है, जो टॉपर है उसने सबसे ज्यादा रिवीजन किया है, और कोई डिफरेंस नहीं है, पढ़ते सब लोग हैं लेकिन लोग भूल जाते हैं, जिसने रिवाइज किया है, जिसको चीज अंत तक याद है वो जीतता है। तो अगर आप 11th में 2 रिवाइज कर लेते, चीज बैठी रहती है दिमाग में, आप बाद में भूलते नहीं हो, तो बैकलॉग नहीं बनती है, और 12th भी आप आराम से कर पाते हो। बच्चे क्या करते हैं, 11th में पढ़ते पढ़ते है नहीं कुछ, टाइम पास करते रहते, होमवर्क ही कंप्लीट नहीं किया, रिवीजन तो बाद की बात है, तो 11th आधा बिगड़ गया, फिर 12th आएगा, 12th और ज्यादा डिफिकल्ट है, अब 11th ही बिगड़ा हुआ है तो 12th क्या समझ में आएगा, फिर 11th भी कवर करना है, 12th भी कवर करना है, ऐसे करते करते फिर सिलेक्शन होता नहीं है, फिर ड्रॉप लेते, फिर अगले दिन फिर सोशल मीडिया पे आके लिखते IIT इज ओवररेटेड दिस दैट, यही सब होता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते ऐसे सिचुएशन में पढ़ना, तो क्या करना होगा, आपको रिवीजन ज्यादा करना होगा। और ये 5 जिसने कर लिया कि आपका जो मेन मटेरियल है उसको आपने 5 अगर बना लिया, तो आपका IIT सिलेक्शन गारंटीड है, गारंटीड है। मैं कुछ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे एक बच्चा बता दो जिसने ये चीज की हो, कि सब कुछ उसने क्लास में पढ़ा, सब कुछ 5 रिवाइज किया है,
पूरे 2 साल में एक बच्चा नहीं मिलेगा जो आज आईआईटी में नहीं बैठा, एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ट्वेल्थ के अंदर, ट्वेल्थ में आप जबकि लेक्चर्स चल रहे हैं, ट्वेल्थ के अंदर ही रिवीजन, बोर्ड से पहले रिवीजन, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास की बोर्ड एग्जाम होती है तो उससे पहले भी रिवीजन एक बार हो जाता है अपना, जनवरी से पहले और एडवांस से पहले, तो उसमें भी 5 बार अपना बैठ गया, ठीक है। तो ये चीज आप करें, आपको और हेल्प चाहिए तो मेरे नोट्स अवेलेबल है फ्री में, डिस्क्रिप्शन में जाइए। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारा JEE 2026 कोर्स अभी बहुत दिन बाद, जब लॉन्च हुआ था आई थिंक 1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ था, उसके बाद पहली बार डिस्काउंट आया है उस पर, आपको वो मिल रहा है कल रात तक डिस्काउंट पे एट जस्ट ₹9,999, वरना वो 20,000 का सेल होता है, ठीक है। तो ₹10,000 सेव करने और पूरे 2 साल का कोर्स मिल जाएगा 2026 जेई एडवांस तक। आप डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक दिया है, क्लिक करें, कोर्स लीजिए और आपका हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप उस मटेरियल को सॉल्व करो और ये 5 बार कर लो, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर, जो हमने लेक्चर्स और भी अप्लाई किए हैं, जो आपको डीपीपी दिए, सब 5 बार करो, आपका सिलेक्शन दे है, टेस्ट वगैरह सब कुछ दिया है, तो आप उस पर रिलाय भी कर सकते हो। और अगर आपकी कोचिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हो यार आपको और एक्स्ट्रा कुछ मसाला चाहिए, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें आपको कई चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। मैं खुद बहुत अच्छी रैंक्स लाया हुआ हूँ जेई मेन में, तो मैं फर्स्ट रैंक था फुल मार्क्स के साथ, जेई एडवांस में भी आई गॉट अ वेरी गुड रैंक, तो आपको बहुत अच्छे से मैं बता सकता हूँ कि कैसे आपको परफॉर्म करना है, कैसे रैंक लानी है, कैसे ड्रीम आईआईटी पहुंचना है। और मेरी कई सारी पर्सनल ट्रिक्स भी है जो आपको स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया, क्योंकि टीचर्स आपको पढ़ा सकते हैं एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, रिविजन वगैरह कैसे क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, वो आपको कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ही सिखा सकते हैं जो मैंने किया हुआ है, तो एक डिफरेंट फ्लेवर आपको मिलेगा। तो लाखों रुपए आप शायद इन्वेस्ट कर चुके हो अपनी जेई प्रेप में, 10,000 रुपीज का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ज्यादा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं। बाद में मत बोलिएगा कि भाई इतना महंगा क्यों है, 20,000 का क्यों है, 25,000 का क्यों, अभी हमने एक सेल निकाली है क्योंकि कुछ बच्चों का अर्ली बर्ड सेल मिस हो गया था, ठीक है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में, और अगर कोर्स नहीं ले सकते हो फ्री नोट्स, तो भाई लेना ही लेना, वो तो फ्री है, उसमें क्यों मिस आउट कर रहे हो, फिर तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, अगर तुम फ्री नोट्स भी नहीं लेते हो ना, यानी तुम्हें पढ़ना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो या दैट वाज द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब, सोशल्स नीचे लिंक्ड है, कुछ पूछना हो तो, कोर्स भी नीचे लिंक्ड है, नोट्स भी नीचे लिंक्ड है, गुड लक।